तो ये जो 8 के बाद एक एग्जिट पॉइंट दिया है, हमें हमारा ऐसा मानना है कि ये एक अपने आप में एक बहुत खतरनाक हो सकता है। एनजीओस को लाना पड़ेगा पीपीपी मॉडल के अंदर, किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कि एक स्कूल का मॉनिटर बना देते थे तो टीचर उसको बोलता था चल भाई तू किताब ले और इनको पढ़ा। अब ये नया जो आपका क्लासिफिकेशन है वो प्रपोज करता है, इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 8 के बाद वो एक एग्जिट पॉइंट प्रपोज किया है इसके अंदर। वो तो करना ही पड़ेगा ना, जब आप स्किल इंडिया करेंगे, जब आप बोलेंगे कि मैंने स्किल्ड लोग भी तैयार करने हैं, तो 8वीं के बाद जो बच्चे छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। और फिर वो जो आपकी पहले डॉक्यूमेंट के अंदर बोला था कि मिनिमम 25% सरकारी स्कूल्स के अंदर आपका जो है प्रोफेशनल एजुकेशन के सेंटर होने चाहिए, वो इसके अंदर नहीं बोला है इस तरह से। पर ये बोला कि जो 8 के बाद वो जा सकते हैं आपके प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए। तो ये जो 8 के बाद एक एग्जिट पॉइंट दिया है, हमें हमारा ऐसा मानना है कि ये एक अपने आप में एक बहुत खतरनाक हो सकता है। आप 8 के बाद एग्जिट दे रहे हैं जो वंचित तबकों से आ रहे हैं, जो स्लो लर्नर हैं, जिनको रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है, आप रेमेडियल क्लासेस नहीं देंगे, आप उनको अलग से पढ़ाएंगे नहीं। अगर गणित में कमज़ोर है तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे, आप बोलेंगे 8 के बाद एग्जिट हो जाएं और जो आपका अनुवंशिक काम था आप उसकी स्किल लें और उसके अंदर चले जाएं। जो भारत जैसे देश के अंदर तो बहुत ही एक डेंजरस चीज हो सकती है, ये इसके अंदर बोलता है। ये प्रपोज करता है जो अगेन सीधे के सीधा वो जो हम शब्द हैं मैं अभी तक मिस बोल नहीं रहा जानबूझ के, कि शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण की तरफ जाता है, प्रपोज करता है। अभी तक जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो कौन करता था? एनसीईआरटी स्कूलों के जरिए करता है ना। तो अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर भी एनजीओस को लाना पड़ेगा पीपीपी मॉडल के अंदर, किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मदद लेनी पड़ेगी आपको प्राइवेट पार्टनर्स की, एनजीओस की। ये इसके अंदर प्रपोज करता है, जो हमारा ऐसा मानना है कि ये बड़ा दिक्कत वाला मसला है। इसमें ये जो पूरी की पूरी नो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, हालांकि हम ये नहीं मानते कि एजुकेशन पॉलिसी कभी भी बजट के साथ आप जोड़ के प्रपोज कर सकते हो, पर इसमें कहीं भी ये नहीं जिक्र है स्कूल के अंदर भी हायर के अंदर भी कि इस सब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आप एडिशनल रिसोर्सेज इसके अंदर जुटाएंगे। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि ये आपका फिजिकल डेफिसिट है, वो हम बोल रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसका साथ लेके चलना है। पर जो भी हम अभी तक प्रपोजल दे रहे हैं प्री एजुकेशन के लिए या आपका प्री स्कूल के लिए, इसके लिए भी मैं अगर बोलूं कि एडिशनल पैसा कहां से आएगा, ऐसा कोई सजेशन इसके अंदर हमें अभी तक दिखता नहीं है। एक खतरनाक जो प्रपोजल है अभी आप ये तो शायद आप रोहतक में भी लड़ते थे कि ये जो 25% मिलता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर प्रपोजल है ना, 25% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप एडमिशन मिलती थी मैंडेटरी तौर के ऊपर। हाँ जी, 134A जो है उसको डाइल्यूट करने का इसके अंदर है, एमेंड करने का ये प्रपोज करता है इसके अंदर है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, पता नहीं टीचर लोग बैठे हैं मेरे से बेहतर बता पाएंगे, नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एड्स प्रोग्राम, ये दो प्रपोजल दिए हैं जो स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। सुनने में अच्छा लगता है नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए, रेमेडियल क्लासेस होनी चाहिए, पर हम ये सोच रहे थे कि इसके लिए अलग से जो पेडागोजी के अंदर काम करने वाले एक्सपर्ट हैं वो आएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर बच्चा स्कूल क्लास के अंदर नहीं सीख पा रहा, वो नहीं सीख पा रहा आपका साइंस का एक कोई प्रिंसिपल, ये नहीं सीख पा रहा कि जो पृथ्वी है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसको समझाने के लिए तो कोई एक्सपर्ट चाहिए कि कैसे साधारण भाषा के अंदर वो समझा पाएगा अलग से। वो नहीं समझ पा रहा कि 2+2=4 होता है, तो हो सक दिक्कत है ना, ये आसान चीज़ें हैं पर बड़े सारे लोगों को दिक्कत आती है कि वो अलग से रेमेडियल क्लासेस उसको चाहिए होंगी। हो सकता है कि कुछ बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आए कुछ दिन, वो पीछे छूट गए, उनके लिए अलग से क्लास चाहिए होगी, इसको रेमेडियल बोलते हैं। ये वो स्ट्रक्चर तो प्रपोज कर रहा है, पर ये बोल रहा है कि जो क्लास के अंदर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो एज ट्यूटर जाके उन बच्चों को पढ़ाएंगे। पर पता नहीं, अभी तो आपने देखा नहीं होगा, जब मैं स्कूल के अंदर होता था उस समय होता था कि एक स्कूल का मॉनिटर बना देते थे
तो टीचर उसको बोलता था चल भाई तू किताब ले और इनको पढ़ा। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक मॉनिटर होता था, उसको बोलते चल इनको किताब पढ़ाना ही है ना, क्योंकि वो तो पढ़ाते नहीं थे ब्लैक बोर्ड पे, वो बोलते थे कि चल पाठ पढ़ना है तो तू पाठ पढ़ और एक एक आदमी की बारी बारी जिम्मेवारी लगा, वो पाठ पढ़ेंगे, तो वो क्लास चलती रहती थी। तो वैसा ही कुछ ऐसा इसके अंदर है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो टीचर की तो एक ट्रेनिंग है। आप बोल रहे हैं कि बीएड को 3 साल का करना है, 5 साल का करना है, और आप ये आशा कर रहे हैं कि जो बच्चा सीख नहीं पा रहा वो उसी क्लास के बच्चे से सीखेगा। एक तो आप क्लास को डिवाइड कर रहे हो ना, पहले ही क्लास को डिवाइड कर रहे हो आप, क्या इंप्रेशन बनेगा मनोवैज्ञानिक। वो तो जब मॉनिटर बनाते थे उस समय भी वो पूरी डिबेट थी कि आप कैसे क्लास को डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर, तो अभी क्या होगा। एक बड़ा ही खतरनाक प्रपोजल इसके अंदर ये एक दिया गया है इसके जरिए। एक ये प्रपोजल है, ये पूरी बड़ी जायज चिंता करता है आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कि भारत की शिक्षा विशेष तौर पर स्कूली जो शिक्षा है वो रटने वाली है, रोट एजुकेशन की रट्टा मारा रिप्रोड्यूस किया, बहुत अच्छी बात है ये। और एक विशेष तौर पे एक्नॉलेज करता है कि जो बोर्ड की परीक्षा है ये तो विशेष तौर पे रट्टा मारते हैं बच्चे और वहाँ लिख के आते हैं और पास होके आते हैं, ये फायदेमंद नहीं है, और चिंता ग्रहण करता है कि इसको कैसे ठीक करना है। प्रपोज क्या करता है, प्रपोज ये करता है कि हो सकता है कि दसवीं के बोर्ड जरूरी नहीं रहेगा। अब प्रश्न है कि दसवीं का बोर्ड नहीं होगा, बारहवीं का बोर्ड नहीं होगा, साफ नहीं बोला कि बोर्ड की वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ये बोला है, पर बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी एजुकेशनिस्ट मानते हैं कि जब स्कूल से आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो उसके बीच में एक बैरियर है बोर्ड, जस्ट टू असेस, ये एक कदम आगे जाके प्रपोज करता है। ये प्रपोज करता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन हम बोलते हैं एकेडमिक्स की, उसके अंदर जाने के लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि बोर्ड के एग्ज़ाम को छोड़कर आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या फिर एक प्रोफेशनल टेस्ट एक प्रोफेशनल एजेंसी वो करवा रही है, वो कैसे रोट एजुकेशन को जो समस्या है उसको कम करेगा। ये उल्टा करेगा, ये उल्टा क्या करेगा कि आपने बारहवीं कर ली, आपने आगे जाना है, दाखिला लेना है, तो उससे पहले एक आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो टेस्ट कैसे क्वालिफाई करता है, तो भारत के अंदर तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बड़े आसान तरीके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या हुआ, ये जो पूरा रिसर्च के लिए नेट इंट्रोड्यूस किया था, नेट क्यों, नेट भी तो इसी तरह से आया ना, नेट भी तो ये है कि आप पहले टीचिंग एलिजिबिलिटी और रिसर्च के लिए भी आपने रख दिया कि आप जो नेट करेगा एक समय वही जाएगा हायर एजुकेशन के अंदर और वही जाएगा आपकी टीचिंग के अंदर, एक बैरियर रख दिया। तो क्या हुआ, आप जाएं दिल्ली NCR के अंदर, पूरी की पूरी दुकानें हैं वहाँ पर, वो आपके सिलेबस से लेके नोट से लेके टीचर तक प्रोवाइड करती हैं, और बड़ी दुकानें हैं वो, एक बड़ी दुकानों की जमात इसके ज़रिए खोलने की इजाज़त दी जाएगी। और आप ये सोचिए कि कौन से लोग हैं वो जो क्वालिफाई कर पाएंगे और कौन से वो नहीं कर पाएंगे। बोर्ड तो क्लास की जिम्मेवारी थी ना, क्लास टीचर की, बोर्ड तो स्कूल की जिम्मेवारी थी ना, कि उनको पास जिम्मेवारी है ना कि आपकी स्कूल का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और टीचर तो वैसे भी सोशली रिस्पॉन्सिबल है, उसको लगता है कि मेरा बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, वो बोलता है मेरा बच्चा मेरी क्लास, वो फीलिंग है, ओननेस है वो। पर जब वो बारहवीं करके या दसवीं करके बाहर चला गया तो किसका है वो बच्चा, किसकी जिम्मेवारी है वो टेस्ट क्वालिफाई करने की, उस बच्चे की या उसके परिवार की। तो जो तो कोचिंग करवा पाएगा वो करवा देगा, और जो नहीं कर पाएगा वो कहाँ जाएगा। कितने लोग हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे, तो वो 100% 50% GER आप कैसे अचीव करेंगे। आपने तो एक और हर्डल वहाँ बना दिया ना, एक और बाधा वहाँ पे पैदा कर दी, तो कैसे वो 50% का GER करेंगे। ये एक इसका एक और प्रपोजल जो है, ये हुआ स्कूली शिक्षा के अंदर। इसके अंदर ये जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए जो स्कूलों के अंदर सुविधा होनी चाहिए, वो आप लोग तो मेरे को लगता है मेरे आने से पहले चर्चा कर रहे थे ना कि ब्रेल के अंदर ये उपलब्ध ही नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है ब्रेल लिपि के अंदर, वो कैसे पढ़ेंगे, ऑडियो वर्जन इसका उपलब्ध नहीं है, वो कैसे सुनेंगे, कैसे वो अपनी डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह स्कूल के अंदर उनके लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से उनके लिए अलग से सिलेबस होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वो मिसिंग है इसके अंदर। इंटरनेशनल कन्वेंशन तक को ये डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज नहीं करता और फॉलो नहीं करता है, सिर्फ ये बोलता है कि एक्सेसिबल रैंप्स
जो है ना कि रैंप्स होने चाहिए चलने के लिए उनकी लोकोमोशन के लिए, वही सिर्फ प्रपोज करता है, बाकी वो सारे का सारा मिसिंग है इसके अंदर। एक बड़ी चीज़ जो आपकी है अभी जो प्रपोज करता है ये हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से अगर हम आगे बढ़ें, ये डॉक्यूमेंट प्रपोज करता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष हो गए आपके प्रधानमंत्री, और जो आपकी सुप्रीम जो बड़ी लीडरशिप है आपकी वो इसके पार्ट होंगी। ब्यूरोक्रेसी तक का प्रपोजल है इसके अंदर कि कौन कौन से सेक्रेटरीट लेवल के लोग इसके अंदर हो पाएंगे, पर कहीं भी जिक्र नहीं है कि एकेडमिशियन कौन कौन से होंगे।